हेलो फ्रेंड्स, आ जाते हैं जल्दी से मॉक टेस्ट पेपर 1 सितंबर 2004 में जो हुआ था, 21 सितंबर 2024 को जो हुआ था उसको देखते हैं किस तरीके से पेपर है। आज हम इस पेपर में सिर्फ SCPM वाला पोर्शन डील करेंगे क्योंकि कई क्वेश्चंस में SCPM के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो डील करेंगे। और शुरू करने से पहले ही मैं एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, आपको जब भी पेपर आए, क्योंकि ये केस स्टडीज बहुत लंबी होती हैं, आप भी जानते हैं कई पेजेस में सिर्फ केस स्टडी होती है, तो आपको पढ़ना कैसे है, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत धीरे क्वेश्चंस पढ़िए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आपकी ग्रिप में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। जब आपकी ग्रिप में क्वेश्चन आ जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जो बुक्स साथ में लेके गए हैं उस पर टैग्स लगाइए कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से है, ये क्वेश्चन यहाँ से है। और उसके बाद जाके जब आप टैग्स लगा लें, इंडेक्स से देख सकते हैं ना आराम से कि अच्छा ये टॉपिक के ऊपर से आया है, टैग लगा लिया। और उसके लास्ट में आप क्वेश्चन का केस स्टडी पढ़िए। और अब आप जब केस स्टडी पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ वो वाले पॉइंट्स को डील करिए जो कि आपसे मांगा गया है, फालतू के पॉइंट्स को जल्दी जल्दी निपटा दीजिए। और कॉन्सेंट्रेशन, मुझे मालूम है आपकी भी मेरी भी सबकी टूटती है अगर इतनी लंबी केस स्टडी आती है, तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है। आपको केस स्टडी के अंदर, जैसे ये केस स्टडी है मान लीजिए, क्योंकि जैसे होता क्या है 90% लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मी, मैं ये पैराग्राफ पढ़ने बैठूंगा तो फर्स्ट पैराग्राफ तो सही पढ़ लूंगा, सेकंड पैराग्राफ में खो जाऊंगा। आई बिलीव आप भी खोते होंगे। अब इसके अंदर इतनी लंबी लंबी केस स्टडीज हैं, ये प्रॉब्लम तो आएगी, तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे करें, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, जैसे आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं आप या तो फिंगर लगा लीजिए इस तरीके से, हाथ लगा लीजिए या इस तरीके से लगा दीजिए ताकि अगली लाइन ना दिखे, या फिर कई लोग इस तरीके से रीड करते हैं, आप इस तरीके से रीड करिए, ठीक है। जब आप एक पैराग्राफ पढ़ लें तो रुकिए, उसको रिकॉल करिए क्या पढ़ा है, ताकि आपको यहां तक समझ में आ जाए आपने क्या पढ़ा था, और फिर आगे पढ़िए, ठीक है। जो रेलेवेंट है सिर्फ वही पढ़िए, जो रेलेवेंट नहीं है उसको रिकॉल भी करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर गलती से, क्योंकि देखो डे ड्रीम होगा, इतने लंबे 4 घंटे का पेपर डे ड्रीम होगा ही होगा, अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि डे ड्रीम नहीं होगा तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, डे ड्रीम भी करेंगे आप बहुत अच्छे से पढ़ते पढ़ते, आपको आपका चाहे कितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, लेट अस से यू आर फ्रॉम चाइल्डहुड टॉट इन इंग्लिश इटसेल्फ, तब भी आप क्या करेंगे, आपका कॉम्प्रिहेंशन बिगड़ जाएगा बिकॉज यू विल बी अंडर प्रेशर। तो आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स रहना है, जैसे ही आपको लगे कि कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा है आप वापस एक बार क्वेश्चंस रेफर कर लीजिए, फिर वापस आ जाइए तो आपका कॉन्सेंट्रेशन वापस आ जाएगा, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है IBS के अंदर, जिसकी वजह से हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा। आपको ये गलतफहमी है कि पेपर आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा क्योंकि 4 घंटे का पेपर है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इट विल बी अ डिजास्टर्स काइंड ऑफ थिंग फॉर यू, सही है। और इसीलिए आप अगर सोचिए, अगर मान लेता हूं मैं हायर साइड पर 30% रिजल्ट भी जा रहा है तो 70% इसीलिए फेल होंगे। और कई स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो सोच रहे हैं कि SCPM पोर्शन नहीं आएगा, SCPM सिर्फ आपको सेल्फ बेस एग्जामिनेशन था या लॉ अब नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें लॉ भी पूछा जा सकता है, इसमें SCPM भी पूछा जा सकता है, मॉक टेस्ट पेपर में ऐसा चल रहा है। याद रखिए किसी भी पेपर को सेटल होने में एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट लगते हैं, अभी सिर्फ 1 अटेम्प्ट हुआ है, इसलिए कई स्टूडेंट्स को ऐसा फील हो रहा है कि इसमें तो क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं SCPM के, इसमें तो किसी तरीके से कुछ और आएगा ही नहीं, सिर्फ आएगा हमारे पास AFM, FR, आपके पास ऑडिट या फिर DTIDT, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कई टीचर्स तो गलतफहमी भी डाल रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि इसको पढ़ने की जरूरत है, हाँ इसको ज्यादा पढ़ने की ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें इस चीज को पढ़ने की जरूरत है कि आखिरकार केस स्टडी कैसे रीड करें, तो इस पे जरूर ध्यान देना दोस्तों। चलो शुरू कर रहे हैं अपनी फर्स्ट केस स्टडी से, 5 केस स्टडी आई है, 4th केस स्टडी हमारे लिए रेलेवेंट है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे SCPM पोर्शन डील कर रहा हूँ और उसमें SCPM के क्वेश्चन नहीं है, बाकी में बहुत अच्छे अच्छे SCPM के क्वेश्चन है। तो पहली आप यशराज फिल्म की तरह लेके चलिए कि यशराज फिल्म है और उन्होंने अपनी केस स्टडी दे रखी है, बहुत सारी लंबी चौड़ी केस स्टडी है। आपको मैं सीधा ला रहा हूं क्वेश्चन में, पेज 1 पॉइंट, पेज नंबर है 9, पेज 9 क्वेश्चन 1.6, ठीक है, पेज 9 क्वेश्चन 1.6। मैं आपको हल्का सा इस केस स्टडी का ब्रीफ दे दूं कि किस तरीके से केस स्टडी है,
उसको दे देता हूँ ब्रीफ, जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है कि देखिए, इवेल्युएट करना है इंट्रिकेट वैल्यू चेन ऑफ आर आर। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स टाइप। आर आर एंड आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ मूवीज। डिस्कस करने हैं ऑपरेशनल चैलेंजेस हर सिचुएशन में, हर स्टेज पे जो है, और कैसे वो अफेक्ट करेंगे कंपनी की एफिशिएंसी और ओवरऑल सक्सेस पे। तो जब आप इस क्वेश्चन में इस केस स्टडी को पढ़ें, पहले तो केस लेके चलते हैं। आपको मान लीजिए वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं याद, अगर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं याद तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, दिमाग पे प्रेशर मत डालिए, लोड बिल्कुल मत लीजिए, आप क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। क्योंकि विश्वास करिए लास्ट मिनट पे आप पेपर में वो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको ये गलत फहमी है कि आपने लास्ट मिनट पे बुक उठाई और पढ़ा और समझ में आ गया, तो आपसे नहीं हो पाएगा, आप ब्लंडर करने वाले। और यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप सीधा जाके जो बुक में लिखा हुआ है ना वो कॉपी करके पेस्ट कराएं तो काम बन जाएगा। हाँ, अगर लिमिटेशन वगैरह डायरेक्टली पूछी है तो आप लिख के आ सकते हैं कॉपी करके, अदरवाइज नहीं करके आ सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना है एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन को और उसके अंदर सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस वगैरह को डिस्कस करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें केस स्टडी के अंदर, आपको जर्नी बताई कैसे, जैसे यशराज फिल्म ऐसे वैसे यहाँ पे आर एंड आर करके हैं, कैसे उनकी जर्नी थी, कैसे उन्होंने शुरुआत की। अब क्या वैल्यू चेन में उनकी शुरुआत आएगी? नहीं आएगी। वैल्यू चेन क्या होता था? आपने कहा कि सर वैल्यू चेन बड़ा सिंपल, हमें सबसे पहले एक्टिविटीज को एनालाइज करना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्टिविटीज है। जैसे आपकी एयरलाइंस है, एयरलाइंस पे कितने तरीके के काम होते हैं, एक्टिविटीज, हर चीज पे हर काम पे कॉस्ट लगती है और उसका कुछ रेलेवेंस होता है। तो आपने सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि आपकी कौन सी एक्टिविटीज है। अब आपको पता चल गया, अच्छा ये एक्टिविटीज है मेरी, ये बात क्लियर होगी एकदम। जब आपको एक्टिविटीज का क्लियर हो गया, अब अगला अगला स्टेप क्या है आपका, आप ये सोच रहे हैं कि इनमें इनमें मैं ये सोचूं कि कैसे कैसे इनमें पांच प्राइमरी एक्टिविटी है और कैसे कैसे इनमें चार सपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिविटी है। पांच प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस याद है आपको, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस। तो आपको इनको पांचों में लिंक करना है ये जो एक्टिविटीज है, और चार सपोर्ट एक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। अब आपने कहा कि सर इनमें जब हम लिंक कर देंगे इसको, लास्ट क्या है, अब हमें ये सोचना है कि क्या हम लो कॉस्ट एडवांटेज का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उठा रहे हैं या हम डिफरेंशिएशन का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उठा रहे हैं। अगर आप लो कॉस्ट एडवांटेज का उठा रहे हैं तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हटाने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, और अगर आप डिफरेंशिएशन का है तो आप कहोगे कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जनरेट हो, जो रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर रहे हैं उस पे, जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं रिसोर्सेज पे, उस पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को वैल्यू मिले। तो आपकी इसीलिए देखो एमिरेट्स डिफरेंशिएशन की ओर जा रही है और इंडिगो स्पाइसजेट वगैरह लो कॉस्ट एडवांटेज के लिए। इसीलिए देखिए एमिरेट्स वगैरह पे अब देखिए जब बैठते हैं तो क्वालिटी अलग होती है एज कंपेयर टू एमिरेट्स, ओ एम क्या है इंडिगो वगैरह, तो क्योंकि दोनों का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही अलग है, वो डिफरेंशिएशन पे जा रहा है, वो लो कॉस्ट पे जा रहा है। इसीलिए तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरी अपनी जितनी भी चेन ऑफ एक्टिविटीज है उसको ध्यान से एनालाइज करना है। तो आपने कहा इसमें इसकी हिस्ट्री से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आपने कहा कि यहाँ पे ये भी कोई ज्यादा मैटर नहीं करता कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है, मैटर करता है क्या? अब यहाँ पे इंडियन इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया कि जय बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या आपको लगता है यहाँ पे इंपैक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन रीड करें तो सोचिए कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया है, जो कॉन्सेप्ट पूछा गया उसी से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रीड करिए, अदरवाइज आप स्किप करते हुए आगे बढ़िए, अदरवाइज इतनी लंबी केस स्टडी है आपका पेपर नहीं हो पाएगा, लिखना भी तो है। अब आपने कहा कि सर बिजनेस स्ट्रेटेजीज वगैरह क्या है, हाँ इनको आप देख सकते हैं कि हम क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, कि हम नॉन फिक्शन में एक्सपेंड कर रहे हैं, क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं क्वांटिटी की जगह, हम क्या कर रहे हैं यूजर के एक्सपीरियंस पे वर्क कर रहे हैं। आपने कहा ठीक है, तो आप मतलब इन चीजों को तो ध्यान देंगे लेकिन
हिस्ट्री वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे। अब नए प्रोजेक्ट के और बताया कि सिमरन के अंदर क्वालिटी थी तो इसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसकी स्टोरी लाइन वगैरह को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन कालीन भैया वगैरह जो थी उसमें क्वालिटी नहीं थी इसलिए उसको हमने स्क्रैप कर दिया बीच में। म्यूजिक राइट और रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बताया कि जैसे टिप्स वगैरह वाले आए, टी सीरीज वगैरह आए, हमने उनसे कहा कि भाई देखो एक काम करो, परपिच्युटी में तुम्हारा तुम्हारी इनकम है, हमें एक पैसे इतने रुपए दे दो, 1 करोड़ रुपए दे दो, अब परपिच्युटी में तुम्हारी इनकम। तो हमने 3 फिल्म का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिए इस तरीके से, और कह दिया कि अगर इससे ज्यादा सेल होगी तो हमारे को रॉयल्टी देना, नहीं तो तुम्हारी सारी इनकम है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। आगे आपने कहा कि सर फिर प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दिया हुआ है कि कितना प्रॉफिट, ऑडिट एंगेजमेंट, फिर ये आपका हमारा वैल्यू चेन से लेना देना। हमें सिर्फ पढ़ना क्या है जो वैल्यू चेन से रिलेटेड। अब आप कहोगे सर बाकी क्वेश्चंस के लिए तो बाकी चीज रिलेवेंट है, हाँ तो उसके लिए आप पढ़ते जाइए और आंसर करते जाइए। मैंने मैंने मना कब किया यहां पे, तो लेकिन मैं जब पढ़वाऊंगा तो मैं तो SCPM से रिलेटेड वाला ही पढ़वाऊंगा, मैं बाकी ऑडिट एंगेजमेंट वगैरह थोड़ी पढ़वाऊंगा। हाँ आपका पेपर में ऑडिट एंगेजमेंट भी होगा तो आप उसको लिंक करके उसका आंसर लिखिएगा, रुक कौन रहा है। तो आपने कहा कि ये सर अब सब्सिडीज क्या है इसकी, इसकी सब्सिडीज है पहला मंगला टॉकीज, इसका काम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। और इसमें देखा कि यार आपकी इसके अंदर टर्नओवर 5% से पास्ट 2 ईयर्स से गिर गया है, और आपने कहा अच्छा मार्केट शेयर जो है आपने कहा 14% से 13% रह गया, क्यों OTT वगैरह आ गया, ठीक है अच्छा। दूसरा है थिएटर है हमारे संगम थिएटर नाम का थिएटर है, 20 साल से ये थिएटर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने कहा कि सर और मार्केट 22 नहीं 2% बढ़ा है पिछले 2 सालों में, और इसका टर्नओवर जो बढ़ा है 8% से बढ़ा है इन 2 ईयर्स में, इससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन इसने एग्जिबिट में दे दी है। थर्ड सब्सिडरी है पायल मूवीज, पायल मूवीज का काम क्या है मैं एक बार देख लूं, हाँ रीजनल मूवीज पे ध्यान देना। ये क्या कर रहे हैं, ये स्टेट वाइज जैसे बिहार की भोजपुरी मूवीज है उस पर फोकस कर रहे हैं, बंगाल की जो बंगाली मूवीज है उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है हिंदी या इंग्लिश या बाकी लैंग्वेजेस उनको कैप्चर करती जा रही है, जिसकी वजह से उनका उनका ट्रेंड जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और पिछले साल में हमने देखा इनका मार्केट 20%, 1 मिनट मैंने गलत पढ़ लिया, डिक्लाइनिंग था अच्छा। हाँ तो कह रहा है कॉस्ट जो है रेवेन्यू नहीं, कॉस्ट जो है 20% से बढ़ रही है लेकिन रेवेन्यू सिर्फ 12% से बढ़ा है पिछले 2 साल, यहाँ पे कमाई नहीं हो रही, कमा नहीं रहे हम, लुटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट विजय स्क्रीन्स, विजय स्क्रीन्स के बारे में क्या बताया, उसने कहा कि यार ये भी एक सब्सिडरी है, इनका काम क्या है डॉक्यूमेंट्री या उसी तरीके की मूवीज बनाना, मार्केट नैरो है लेकिन हम समझते हैं कि शायद ये बिजनेस पकड़ जाए आगे, इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 4 सब्सिडरीज भी बता दी हमें, फिर उसने हमें बताया कि कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनीज एक्ट वगैरह के लिए ऑडिट वगैरह के लिए काम का है, हमारे काम का नहीं है। और कस्टमर फीडबैक के एक्सट्रैक्ट्स दिए कि एक है यूसुफ जे, उन्होंने एक फीडबैक दिया है, दूसरा है आपका दूसरे का नाम क्या है, अच्छा टीना एम, ये रहा दूसरा टीना एम। तो यूसुफ ने क्या कहा, यूसुफ ने कहा कि यार देखो मैं बहुत खुश हूं, और उसने 3 स्टार रेटिंग दी है, जबकि टीना ने 1 स्टार रेटिंग दी है, उसने कहा मंगला टॉकीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कहता है आप जो क्वालिटी ऑफ मूवीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो अच्छी नहीं है यार, मंगला टॉकीज डिस्ट्रीब्यूशन का था ना, हाँ और जो आपने जो जिस थिएटर्स वगैरह में लगी थी वो भी कंफर्टेबल वगैरह नहीं था, कंसेशन मतलब खाने पीने का स्टैंड पे भी टाइम ज्यादा लग रहा था, अब हम इस पे भी टारगेट कर रहे हैं, इसके लिए नेगेटिव फीडबैक आया। आपने कहा अच्छा मतलब आपसे कहा गया है कि हम लोग अभी 50% ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो रहा है और बाकी लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जिन थिएटर्स को हम टारगेट कर रहे हैं वो सही से सर्विस नहीं दे रहे,
और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है लोगों का। चलो, तो अब इस सबको दिमाग में रखते हुए हमें इंट्रिकेट वैल्यू चेन बनाना है। अब आपने कहा कि सर ध्यान से देखिए, हम इन्हीं 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज पे टिके रहेंगे। आपने कहा कि सर इसके अंदर डिफिकल्ट क्या है, क्योंकि इंट्रिकेट वर्ड लिखा है ना, डिफिकल्ट क्लासिफाई करना है किस किस में, इन 5 प्राइमरी और 4 सपोर्ट एक्टिविटीज में इनके वर्क्स को क्लासिफाई करना एक्चुअली डिफिकल्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो सर फिर कैसे करें? देखो दोस्तों, मेरा मानना यह है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पहले ना पढ़ा हो एग्जाम में तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, और पढ़ रखा हो तो कोशिश करना पहले सोचे कि हम कहाँ कहाँ डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं जैसे टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें थी, संगम थिएटर वगैरह, कुछ चीजें आपने का फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की थी, प्रोक्योरमेंट हम सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे ओवर क्वांटिटी। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इन चीजों को दोबारा, आप जहां जहां मार्केटिंग एंड सेल्स में जहां फोकस कर पा रहे हैं, जहां जहां जो जो फिक्स कर पा रहे हैं वो करेंगे। आपको करना क्या है दोस्तों, इसको आपने फिट करने के लिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, आप जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, 1 मिनट, R&R यूज गवर्नमेंट ग्रांट्स अवेलेबल एट दैट टाइम बट नो लॉन्गर टू इन्वेस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ थिएटर। आपने कहा हमने मॉडर्नाइज कर रखा है थिएटर, और कहता है संगम थिएटर यूजेस रिलेटिवली मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैविंग लार्जर कैपेसिटीज। अब आप कहोगे कि सर ये टेक्नोलॉजी पे क्लियर कट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लियर कट आ रहा है कि हमारा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे जो था मॉडर्नाइजेशन ऑफ थिएटर। तो आपको एक एक चीज को लिंक करना है दोस्तों। प्रोक्योरमेंट में आपसे साफ बोला था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आप बेकार की चीजों पे नहीं फोकस कर रहे। तो अब आप ये जब पढ़ोगे केस स्टडी घर पे बैठ के, तो आप ये ध्यान रखना जो डायरेक्टली आ जाए, बाकी में आपको जबरदस्ती फिट करना पड़ेगा। रियल लाइफ में देखो ये क्या होता है, मैं बता दूं, माइकल पॉर्टर ने कहा था ये जेनेरिक वैल्यू चेन है। जेनेरिक का मतलब आप इसको अपने हिसाब से अमेंड करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं, मगर एग्जाम में क्या जेनेरिक चलता है? नहीं। एग्जाम में तो 5 और 4 ही चलना है, देयर इज नो अदर वे। एग्जाम में तो 5 की मतलब 5, 4 की मतलब 4, और जो प्रॉब्लम्स उसने बताई हैं ऑपरेशंस करने में, जैसे 2 कंप्लेंट आई तो आप सर्विस के अंदर उसको डालो, कंप्लेंट आई थी ना, एक कंप्लेंट आई थी, एक फीडबैक अच्छा आया था, तो जो अच्छा फीडबैक है वो भी डालो सर्विस के लिए, कहो कि कस्टमर फीडबैक हमें रिक्वायर्ड है ना। तो आपको जस्ट फिटिंग करना है, ज्यादा नहीं है, मेहनत का काम नहीं, लेकिन फिट करना समझदारी से। ये अगर सोचेंगे आप कि यार कुछ भी लिख के आ जाए तो नंबर नहीं मिलना, आपको समझदारी से फिट करना है, ठीक है? तो आपका जैसे यहां पे क्वेश्चन के अंदर जो फिटिंग है, आप लोग शायद सोचोगे कि सर एग्जैक्टली ये करके आना है, ये याद करके जाए क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको यहां पे कुछ भी याद करके नहीं जाना, कुछ भी नहीं। आपको वैल्यू चेन एनालिसिस का डिटेल्ड मीनिंग समझना है, आपको समझना है कि क्या ये एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटी में क्या क्या आता है, उनके ऊपर क्या कॉस्ट लग रही है, और यहां रेवेन्यू आ जाता है तो डिफरेंस हो जाता है मार्जिन, ठीक है? एक्टिविटीज की क्या कॉस्ट है और क्या रेवेन्यू है तो डिफरेंस हो जाता है मार्जिन। आपको उनकी ज्यादा से ज्यादा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हटानी है, वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करनी। ऑपरेशनल चैलेंजेस जहां भी आ रहे हैं, जैसे एक ऑपरेशनल चैलेंज आ रहा था आपको रीजनल सिनेमा के अंदर, तो वो भी लिखने हैं आपने, वो आपको लिखने हैं कि ये देखो मेरे को रीजनल सिनेमा में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आप ये कहेंगे क्या सर आप इसके हमें बताएंगे किस किस के अंदर क्या क्या आएगा? नहीं। क्यों सर? आप तो हमें गाइड करिए किस किस के अंदर क्या क्या आना चाहिए, तभी तो हम लिख पाएंगे। नहीं दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा कि किस किस के अंदर क्या क्या आएगा।
मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूं कि किस किस के अंदर क्या क्या आएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करूंगा, क्लियर बता रहा हूं। और ये जरूरी नहीं है जो इसमें लिखा है वही फाइनल भगवद गीता के वर्ड्स बन गए, नहीं, आप अपने हिसाब से सोचेंगे और उसके हिसाब से आप लेके चलेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में संगम थिएटर का मॉडर्नाइजेशन आ गया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की स्टडी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। जब तक आपने पढ़ी नहीं होगी, मैं कुछ भी बोल लूं आपको कुछ नहीं समझ में आना, काला अक्षर भैक्स बराबर। तो केस स्टडी आपको पढ़नी पड़ेगी, उसको लिंक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं रटने का नहीं है यहां पे कुछ भी। इफ यू विल थिंक दैट वी विल क्रैम एंड वी विल राइट, देन यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर एनीथिंग। एंड बिलीव मी, इट टेक्स एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स टू सेटल अ पेपर। सो डू नॉट थिंक दैट पास्ट में अगर हमारे पास May 24 के एग्जाम में कम क्वेश्चन आए थे या बहुत कम क्वेश्चन आए थे SCPM से, तो यहां नहीं आ सकते। अब पेपर अभी सेटल नहीं है, अब पेपर आपका मई में जो पेपर होगा May 25, उसके बाद पेपर सेटल होगा। ये 3 अटेम्प्ट तक आपका पेपर सेटल होने में टाइम लगाएगा। तो जितने टीचर चाहे DT, IDT, अकाउंट्स, कोई कुछ भी बोल रहे हैं ना, अरे उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वो अपनी मेहनत बचा रहे हैं। एक्चुअली उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए आपको केस स्टडी पढ़ना सिखाने में। वो एक्चुअली अपनी मेहनत बचा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर देम, ठीक है? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है स्टूडेंट पागल है, आपसे पूरा एक पेपर दे रखा है उन्होंने, ऐसे ही सोच लिया आपने? अरे सेल्फिश तो मैं मान सकता हूँ कि चलो छोड़ दो, सिंपल ले लिया उन्होंने हर तरीके से, लेकिन आप गलतफहमी में हो कि इंस्टीट्यूट ऐसे ही एक पेपर देगा ताकि तुम ऐसे ही क्लियर कर जाओ। फिर क्या सी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, फिर तो बीकॉम बन जाएगा। सोचो ना, आपने अगर MCQ भी देखे हो तो बच्चे सोच रहे थे MCQ आएंगे सीधे सीधे बस कुछ नहीं, केस स्टडी बेस आ रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आता है उसको MCQ बना देते हैं केस सिनेरियो। तो इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि ऐसे लड्डू वाले क्वेश्चन दे देगा, नहीं, अभी शुरुआत है, उन्हें सेटल कर रहे हैं पेपर, 3 अटेम्प्ट लगेंगे फिर सेटल होगा। अब आपने कहा कि सर इसके बाद जैसे ह्यूमन रिसोर्स में आपने कहा कि सर आपने पायल मूवीज देखा था, पायल मूवीज में हमें हमारी कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। यहां पे ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में दिया है ना, तो आपको ये खुद देखना है कि ऑपरेशनल चैलेंजेस पूछे थे आपको साफ, ऑपरेशनल मतलब कोई भी काम करने में क्या चैलेंजेस, तो ऑपरेशनल कॉस्ट तो ही रखी है, हिंट आपको साफ साफ है। तो आप खुद सोचिए कि यार यहां पे आपको इसका रेफरेंस देना है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपको ट्रेन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपको एट्रिशन रिड्यूस करना है और ह्यूमन रिसोर्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, ताकि कॉस्ट ना बढ़े, कम लेबर ज्यादा काम कर सके। टेक्नोलॉजी OTT भी अपनाओ, यहाँ पे आपने OTT नहीं अपनाया, लेकिन जो आप टेक्नोलॉजी जैसे संगम वगैरह में लगा रहे हैं विच इज गुड, ठीक है, R&D में आप इन्वेस्ट कर। प्रोक्योरमेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप टॉप राइटर्स की स्क्रिप्ट उठा रहे हो। फिर आ गया 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होंगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक। आपने कहा कि सर पीछे से जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, फिल्म प्रोडक्शन। अब सब प्रोडक्ट तो है नहीं है, क्या ये प्रोडक्ट है कि वो उठाया रॉ मटेरियल वो आएगा, नहीं है ना। तो इसमें क्या होता था, वैल्यू सिस्टम नाम की एक चीज होती थी। वैल्यू सिस्टम आपके करिकुलम में शायद है, लेकिन आपको मेनली जो है वैल्यू सिस्टम के ऊपर ना लेके यहां पे इसने स्पेशली वैल्यू चेन के बारे में बोला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे आपको ये लेके चलना पड़ेगा इनबाउंड, क्योंकि कोई फिजिकल चीज तो आ नहीं रही। तो आप कहोगे वही आपने जो स्क्रिप्ट सिलेक्ट की है वो जो अंदर आ रही है उसके बारे में आप लिखेंगे कि जो आपके पास स्क्रिप्ट आ रही है वो ऐसी हो जो कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट की क्वालिटी डिलीवर कर सके, ठीक है। अब इसने वैल्यू चेन वर्ड यूज किया इसलिए हम फंस गए, नहीं तो हम वैल्यू सिस्टम वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें वैल्यू शॉप मॉडल को आपको लेके चलना है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वैल्यू शॉप मॉडल, आपको ICA की बुक में भी दिखा देता हूँ आपको वैल्यू शॉप मॉडल। लेकिन एक बात याद रखिए, हमने वैल्यू शॉप मॉडल क्यों नहीं लगाया,
क्योंकि यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्वेश्चन ने साफ बोला इंटीग्रेट वैल्यू चेन लगानी, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में हमें क्या लगाना चाहिए, वैल्यू शॉक मॉडल। देखिए आईसीए में चैप्टर वन के अंदर आपको दिख जाएगा पेज नंबर 10 में वैल्यू शॉक मॉडल, ठीक है, ये लगाया जाता है सर्विस सेक्टर वगैरह में। अब आगे बढ़ते हैं, आपने कहा कि सर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कौन कौन से थिएटर वगैरह कर रहे हैं, संगम थिएटर, मंगला वगैरह, सभी ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके ऊपर लिख देंगे आप। फिर आ जाता है आउटबाउंड, मतलब यहां से आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं। मंगला टॉकीज क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओटीटी को भी अगर दे रहे हैं तो भी आप बाहर दे रहे हैं कि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूट करो। मार्केटिंग आप सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बेच रहे हैं आप, विजय स्क्रीन के थ्रू रीजनल सिनेमा में बेच रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, जहां सेल्स कर रहे हैं आप, मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि आपका प्रोडक्ट लोगों को पता चले, लोगों तक जाए, वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। और लास्ट सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया यूसुफ वगैरह के केस में आपको कस्टमर सर्विस मिली है, वो आपको यहाँ पे लेके चलनी है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़े केस स्टडी टू पे। इसके बाद हम आगे बढ़े केस स्टडी टू पे। एक मिनट रुकिए, इसमें सिर्फ एक एमसीक्यू है, इसमें केस स्टडी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एमसीक्यू आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अगर आपने क्या कर रहा हूं अभी, ये मैकेंजी 7S पढ़ रखा है तो आपको एक मिनट में समझ आ जाएगा सीधा, कोई केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे एससीपीएम के लिए। कहता है अंडर मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क डीपीएल्स एक्विजिशन ऑफ बीडीएम लिमिटेड, एक कंपनी है डीपीएल, उसने एक्वायर किया बीडीएम को, एंड सब्सिक्वेंट एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करना है, वुड मोस्ट लाइकली बी क्लासिफाइड एज। देखो आपने कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई की कि डीपीएल एक्वायर करेगा बीडीएम को, ये हो गई स्ट्रेटेजी। इंटरनल कंट्रोल्स बेटर हुए तो अब आपका सिस्टम काम करने का तरीका, किस तरीके से काम करें वो इम्प्रूव हो गए इंटरनल कंट्रोल से, यही तो हुआ, तो इसीलिए क्या हो गया अपने आप ये सिस्टम। देखो स्किल्स तो नहीं है ना, ये स्टाफ भी नहीं है, स्ट्रेटेजी भी नहीं है इंटरनल कंट्रोल को, तो सीधी बात है लग गया, इसी के साथ आपका खत्म हो गया। आपको इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं केस स्टडी टू में। आ जाए केस स्टडी थ्री में। केस स्टडी थ्री को कराने से पहले, अच्छा केस स्टडी टू में कुछ स्टूडेंट्स को एक छोटा सा डाउट था, क्वेश्चन 2.7, 2.7 में वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, एससीपीएम का क्वेश्चन है, एससीपीएम का नहीं एएफएम का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, करा मैं भी सकता हूँ, वेटेड एवरेज निकालना है और उसके बाद वैल्यू वगैरह निकालनी है, दैट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, डिफिकल्ट थिंग डिफरेंट करो, लेकिन मैं आप चाहूंगा कि आप खुद करके देखिए, ऐसी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं केस केस स्टडी थ्री पे। केस स्टडी थ्री के अंदर ये रहा पेज 19, क्वेश्चन 3.6 का सेकंड पार्ट। ये बेसिकली जोमेटो की केस स्टडी है, और पूरी जोमेटो की, थोड़ी बहुत नहीं पूरी, तो आपको मैं केस नहीं पढ़वा रहा, आप पढ़िएगा और दिमाग में जोमेटो डालिएगा, वर्ड लीजिएगा डोरमेटो की जगह जोमेटो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या केस स्टडी है। यहां तक आप जब केस स्टडी पढ़ेंगे ना, तो उस समय आप ये जो अभी फूड प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है ना, फूड प्रेजेंटेशन डिस्क्रिपेंसी स्पार्क्स ट्रस्ट कंसर्न अमंग कस्टमर्स ऑन डोरमेटो ऐप, तो ये भी आपको दिख जाएगा। इसमें क्या हुआ कि एआई फोटो लगा रहे थे आप, इसमें क्वेश्चन में है कि आप एआई फोटो लगा रहे थे अपनी ऐप पे, किसके लिए, खाने के लिए, लोगों के बीच में एक कंसर्न आ गया और
उन्होंने कहा कि यार हम खाना खाने जाते हैं या खाना मंगवाते हैं तो किसी और तरीके का होता है, आपकी फोटो बड़ी सुंदर फोटो है एआई बेस पे, तो वो फोटो नहीं रियल फोटो लगाओ। तो आपको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, जोमैटो। ये रहा देखो, 18 अगस्त की न्यूज है, सेप्टेम्बर में आपकी केस स्टडी बनी हुई है। जोमैटो बैंस एआई जनरेटेड फूड इमेज टू मेंटेन कस्टमर ट्रस्ट, और यही दिख रहा है आपको, फूड प्रेजेंटेशन डिस्क्रिपेंसी स्पार्क्स ट्रस्ट कंसर्न अमंग कस्टमर्स ऑन जोमैटो ऐप। बिल्कुल वही है, तो पढ़वाने की जरूरत नहीं। अब जिसने जोमैटो ना यूज किया हो भाई, प्लीज जोमैटो के बारे में थोड़ा समझ लो क्या है। खाना फूड डिलीवरी ऐप तो है ही, साथ में इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जोमेटो गोल्ड वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप होटल्स बुक कर सकते हैं अपनी मनपसंद चॉइस के, उसके थोड़े से पैसे होते हैं जोमेटो गोल्ड के। थोड़ा बहुत और भी है, और क्या है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इन्होंने डोरमेटो सिल्वर कर दिया जहाँ पे आपको मैगजीन मिलेगी, तो इन्होंने दो चार चीज़ें बढ़ा दी हैं। अब इसके लिए इन्होंने सबसे पहले, मैं लेके चल रहा हूँ आपको क्लैरिटी के लिए, आगे बढ़ने से पहले मैं नहीं चाहता कि आप ये 3.6 पार्ट 2 पढ़े पहले। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले 3.6 3.7 क्वेश्चन ना डील करिए, पहले आप आइए 3.8 पे, बिजनेस मॉडल कैनवस के ऊपर। इसमें आपको एलेक्जेंडर ऑस्टरवेल्डर जो है उनका खुद का एक वीडियो है, 6-7 मिनट्स का वीडियो है बस, बहुत ही वंडरफुली उन्होंने आपका न्यूज़पेपर के केस में 6-7 मिनट्स में पूरा बिजनेस मॉडल कैनवस सिखाया है बनाना। वो जब आपको आ जाएगा तो आप ये वीडियोस रिज्यूम करिए, मतलब वो लिंक मैंने जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां से देखिए और उसके बाद मेरे वीडियो पर रिज्यूम करिए, ताकि आपको यहाँ पे बिजनेस मॉडल कैनवस बनाना आए। बाकी चीजें आप बाद में करिए, क्योंकि अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जोमेटो का केस समझने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, और उसको जब देख लेंगे ना तो आपको इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या है बिजनेस मॉडल कैनवस। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने बनाया वो ही समझा रहे हैं 6-7 मिनट्स में, और 6-7 मिनट्स ज्यादा भी नहीं है। तो रिक्वेस्ट है आप प्लीज उस पर देखिए और फिर यहाँ पे आइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे डोरमेटो का बिजनेस मॉडल कैनवस आपका है। एक मिनट में आ रहा हूँ बस। देखिए, आई होप सबने देख लिया, इसको देखने के बाद ही आगे आप आए हैं। अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर सेगमेंट, हमारे कस्टमर कौन है? दो हमारे कस्टमर है, अगर हम डोरमेटो हैं तो हमारे दो कस्टमर है, एक जो खाना खा रहा है, एक रेस्टोरेंट है, यही तो दो कस्टमर है ना। आपने कहा कि ठीक है, अब सोचिए ये क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं। ये वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं टाइमली डिलीवरी, अच्छा खाना, गरम खाना, कई तरीके के रेस्टोरेंट्स जिससे आप चूज कर सकते हैं, मेन्यू प्रॉपर अपडेटेड, सही प्राइसिंग, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ये वैल्यू हम प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको वाइडर रीच टू ऑडियंस, आवर ऑडियंस जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको वाइडर रीच, इस तरीके से हम वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं, ताकि इन कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई कर सके, दोनों दोनों तरीके के कस्टमर्स को। अब उसके लिए हमें कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और हमें ये देखना है कि ये आखिरकार कैसे डिलीवर, तो किन चैनल से हम डिलीवर कर रहे हैं, या तो डेस्कटॉप पे खुलते हैं या मोबाइल पे ऐप खुल रही है, पुश नोटिफिकेशन वगैरह टाइमली आपको आप ट्रैकिंग वगैरह के लिए। तो आपने कहा हाँ सर, ये आपका वे है। और कस्टमर रिलेशनशिप मतलब चैनल तो क्लियर हो गया, डायरेक्ट चैनल है, डायरेक्ट चैनल क्या, मोबाइल के थ्रू डिलीवरी पार्टनर डिलीवर कर देता है। कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, हम किस तरीके का रिलेशनशिप जनरेट कर रहे हैं, अब कस्टमर्स के साथ जो खा रहा है उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसके साथ बड़ा क्लियर रिलेशनशिप है,
कि भाई आप अपना फीडबैक दीजिए, अगर खाना अच्छा नहीं है बताइए, हम बात करेंगे रेस्टोरेंट वाले से कि भाई क्या बात है, क्यों तेरा खाना अच्छा नहीं है ना। हमने कुछ इसी चीज के लिए फूड सोल्जर्स लगा रखे हैं, जब आप पढ़ेंगे ना इसमें तो आपको शुरुआत में फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में इस केस स्टडी में दिख जाएगा, फूड सोल्जर इसी चीज के लिए लगा रखे हैं ताकि हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो कि यहां नहीं लिखा लेकिन आप सोचिए रेस्टोरेंट्स वालों के साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, टाइमली पेमेंट, प्रायोरिटी इन पेमेंट, ट्रांसपेरेंसी, आप कहोगे ये भी एक रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। ठीक है, फोर थिंग्स हो गई, पहला कस्टमर सेगमेंट क्या है, उनको क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं, वो वैल्यू कस्टमर्स को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, फिर हम किस तरीके से उनसे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद इन सब के बदले में क्या मिलेगा, रेवेन्यू। कैसे कैसे रेवेन्यू मिलेगा, कस्टमर भी दे रहा है डिलीवरी चार्ज, रेस्टोरेंट दे रहा है 20-30%, 15% जो भी है रेस्टोरेंट से आ रहा है हमारे पास, और क्या आ रहा है, अगर किसी रेस्टोरेंट ने अपना स्पॉन्सर्ड एड लगवाया तो उससे आएगा, किसी किसी कस्टमर ने, अगर खाने वाले ने कोई जोमेटो गोल्ड वगैरह ले लिया तो उससे भी आएगा, किसी ने अगर रेस्टोरेंट में बुकिंग की है एडवांस उससे भी आएगा, तो इन चीजों से हमारे पास रेवेन्यू आएगा। अब ये जो वैल्यू हमने जनरेट की, ये जो कस्टमर को हमने सब कुछ दिया, रेवेन्यू लिया, जिसके बदले में उसके पीछे कुछ कॉस्ट भी लगी होगी, कुछ रिसोर्स भी होंगे, कुछ एक्टिविटीज भी होंगी, तो वो क्या है। तो आपने कहा कि सर देखिए मेरी कुछ रिसोर्सेस है, मेरे रिसोर्सेस क्या क्या है, यहां पे बहुत सारे रिसोर्स दिए लेकिन मेनली मेरे जो रिसोर्सेस हैं, मैं थोड़ा सा रिसोर्सेस से इनके डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मैं समझता नहीं कि यार 20 मिलियन यूजर्स मेरे रिसोर्स हैं, मेरे रिसोर्स होगी मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी वेबसाइट, मेरा ब्रांड ब्रांड नेम, ये मेरे रिसोर्सेस हैं। ठीक, और मेरी एक्टिविटीज क्या होंगी, मेरी एक्टिविटीज होंगी आप कहोगे फूड उठा के कस्टमर को डिलीवर करना है, नहीं लॉजिस्टिक्स है, अगर किसी कस्टमर की कोई कंप्लेंट है या किसी पार्टनर की कोई कंप्लेंट है उसको एड्रेस करना होता है या नहीं। अब मान के चलो कैश ऑन डिलीवरी है, तुमने पैसे नहीं दिए, खाना खींच लिया छीन लिया, तो वो भी एक कंसर्न है, तो वो भी डिलीवर एड्रेस करना। ठीक है, आपने कहा कि अगर किसी रेस्टोरेंट ने अपना एड चलाने को कहा तो वो एड चलाना, या इसी तरीके से आप कह रहे हो कि यार हमें एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, की पार्टनर कौन है, जो डिलीवरी एजेंट है वो भी पार्टनर है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जोमेटो का सीईओ खुद डिलीवरी पार्टनर बन के गया था, डिलीवरी एजेंट, और उसने मॉल के अंदर एंटर करने की कोशिश की थी, तो और उसने डिलीवरी एजेंट से बात भी की थी जमीन पे बैठ के, तो बहुत फेमस हुआ था इसी चक्कर में। तो आपने कहा ठीक है, और कौन की पार्टनर्स हैं हमारे, हमारे रेस्टोरेंट्स वाले की पार्टनर्स हैं, है ना। तो आपने कहा कि सर पेमेंट गेटवे वाले हमारे की पार्टनर्स हैं, अगर कोई कोई प्रोग्राम हमारे साथ चला रहा है वो प्रोग्राम वाले की पार्टनर्स हैं, तो आप ये कहेंगे। ठीक है, की रिसोर्सेज में आप वो भी डाल सकते हैं जो उनका बैग होता है ना जिससे खाना गर्म रहता है, वो भी डाल सकते हैं। अब इन सब के ऊपर लगती है क्या, पैसा, कॉस्ट लगती है, तो इन सबको ऑपरेट करने की कॉस्ट, चाहे फूड सोल्जर की, चाहे डिलीवरी की, चाहे अपग्रेडिंग ऑफ एप्लीकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की, या किसी भी चीज की कस्टमर सपोर्ट को चलाने की, इन सब की जो कॉस्ट लग रही है वो। तो आपने कहा जब हम ये पूरा बना लेते हैं हमें क्लियर पता चल जाता है, अब किसी के सामने भी आप रखोगे उसे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हमारा बिजनेस क्या है, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ कॉस्ट लग रही है, क्यों कॉस्ट लग रही है, क्या क्या है। तो ये बहुत सिंपल बिजनेस प्लान है, स्टार्टअप्स इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, इसीलिए हम ये बहुत ज्यादा चलता है बिजनेस मॉडल कैनवस। अब बारी आई 3.7 लेते हैं पहले। हाँ जी, एडवाइस ऑन हाउ टू एड्रेस एंड मेंटेन कस्टमर ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स इन रेस्पॉन्स टू कंसर्न्स रेज्ड इन रीसेंट आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल। आप कैसे एड्रेस करोगे और कस्टमर ट्रस्ट लेके आओगे, आप नेचुरल सी बात है सबको यही बोलोगे जैसे उन्होंने क्या किया, बैन कर दोगे AI इमेजेस, कहोगे हमसे गलती हुई और आगे हम ध्यान रखते हैं, हमारे लिए कस्टमर सर्वोपरि है, हम अपने अपने
जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनसे कहेंगे कि एक्चुअल फोटोज डालिए, हम उन्हें फ्री फोटोज किसी कुछ ऐसा लेके देंगे कि वो अपने मोबाइल से ही फोटो खींच सके सुंदर तरीके से, लेकिन एक्चुअल फोटो बढ़िया तरीके से फोटो खींच सके, उनको मेहनत भी ज्यादा ना हो, कॉस्ट उनकी ज्यादा ना लगे, और हमारी मोबाइल ऐप में ही बहुत अच्छे से एंगल बनाने का तरीका हो कि ऐसे एंगल बनाओगे तो साफ सुथरी आएगी लेकिन एक्चुअल फोटो होगी। तो वो सब हम चालू करेंगे और कस्टमर से कहेंगे कि अब हमने आपके एड्रेस को कर दिया, आपके कंसर्न को एड्रेस कर दिया और आप चिंता ना करिए, आपको ओरिजिनल फोटो ही दिखेगी जो खाने की है वो ही दिखेगी, ये नहीं कि नकली दिख रही है, ये एजेंट। नेक्स्ट, हाउ कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बी अप्लाइड बाय डोरमेटो एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन फॉलोइंग एरिया, सप्लाई चेन, ऑडिट प्रोसेस एंड मैनेजिंग सेंसिटिव डेटा, कस्टमर डेटा। ब्लॉकचेन क्या होता था, मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया था बिटकॉइन को लेके, है ना, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, सारी लिंक्ड होती है पूरी तरीके से, है ना, तो आपने कहा सप्लाई चेन में भी कोई चेंज नहीं हो सकता, तो आपने देखो सेंसिटिव डाटा हिल नहीं सकता, क्योंकि अगर आप कोई बीच में किसी पर्टिकुलर चेन पे हरकत करते हो तो पूरा आगे तक का चेंज हो जाएगा, नंबरिंग वगैरह, वो मैंने बहुत डिटेल में सिखाया था ब्लॉकचेन के बारे में और बिटकॉइन को लेकर समझाया था। तो आप लोग यही कहोगे कि यार ऑडिट प्रोसेस में क्लियर ऑडिट प्रोसेस होती है कि आपको बस ये देखना होता है कि कहीं पे नंबरिंग तो नहीं हिली, आपको कस्टमर डेटा सेंसिटिव आपका मेंटेन रहता है, और आप कहोगे सप्लाई चेन आपके ऑपरेशंस क्लियर दिखते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका यही आंसर बहुत छोटे में रहेगा, ये बहुत लंबा खींचने की इसको जरूरत नहीं है, आपको यही आंसर आपके छोटे में आएंगे तीनों, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से चालू हुआ, कहाँ पे पैकेज डिलीवर हुआ, ये पूरी आपके पास आ जाएगी। अब लास्ट 3.6 का सेकेंड पार्ट, इवेल्युएट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर डोरमेटो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ अफ्रीकन ईट्स, ये एक नया पॉइंट है, इसीलिए मैंने पहले नहीं लिया था। कंसीडरिंग द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, अब फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, नॉन फाइनेंशियल, हिंट क्या रहा है, पेस्टल लगाने के लिए, पेस्टल क्या था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक वही सब याद है, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था, फाइनल में भी, तो पेस्टल लगाना है, ठीक है। कहता है व्हाट स्ट्रेटजी शुड डोमेटो डोरमेटो इंप्लीमेंट टू एड्रेस दीज चैलेंजेस एंड एंश्योर सक्सेसफुल एक्विजिशन, कैसे इन चैलेंज को एड्रेस करें और सक्सेसफुली एक्वायर करें अफ्रीकन नीड को। अब इसके लिए अफ्रीकन नीड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बताता हूँ कहाँ है अफ्रीकन नीड, Page 15। सुनिए, कहता है इस पैराग्राफ को आप पढ़िए जरा ध्यान से, कहता है हम ना एक कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हैं, पहले पॉज करिए इसको पढ़िए और फिर मेरी बात सुनिए, कर लिया, अब सुनिए, एक कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हैं अफ्रीका नीट, और ये भी एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, ये अप्रोक्स 60 सिटीज में वर्क करती है 5 अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, और यहां पे रुपी नहीं चलता इंडियन रुपी, रेदर अफ्रीकन रैंड चलता है। 2023 में क्या हुआ, इन्होंने थोड़ी बदमाशी की अफ्रीकन ईट वालों ने, इन्होंने रेस्टोरेंट्स वालों से कंपलसरी कर दिया कि भाई देखो जो तुम डाइनिंग में चार्ज कर रहे हो ना वही तुम यहां प्राइस दिखाओ ताकि ज्यादा रेवेन्यू वगैरह आ सके। तो इस चक्कर में क्या हुआ, एंटी ट्रस्ट वाले इनके पीछे लग गए कि तुम तो बदमाशी कर रहे हो, तुम ज्यादा चार्ज करवा रहे हो अपनी ऐप पे, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं तो हम चार्ज हम तुम्हारे को रखेंगे ही नहीं, ऐप वालों से ने ऐप वालों ने अफ्रीकन नीट वालों ने कह दिया कि रेस्टोरेंट से कि तुम अगर चाहते हो लिस्ट रहो तो तुम ऐसा करो, तो वो मतलब 13 से 14
40% तो पहले भी चार्ज कर रहे थे रेवेन्यू का कमीशन के तौर पे, जबकि हम कम चार्ज करते हैं, वो ज्यादा चार्ज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये हरकतें और चालू कर दी। वहां पे अफ्रीका के अंदर 10% इन्फ्लेशन है, इंडिया में 5% है, और 1 रुपी 4.5 अफ्रीकन रेंट के बराबर कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इसकी पॉजिटिव है, जो आप निकालोगे देख लोगे। अब आपको इन सबको दिमाग में रखते हुए, बातों को दिमाग में रखते हुए पेस्टल लगाना। पहला क्या होता है पेस्टल में? पॉलिटिकल। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखिए पॉलिटिकल में क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर कोई जगह है वहां पे मान लेते हैं रोज हर कुछ दिन बाद सरकार बदल जाती है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि रोज लॉ बदल रहे हैं, जब रोज लॉ बदल रहे हैं तो आप जरूरी नहीं है वो सही से फॉलो कर पाओ, तो ये काफी एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ये रिस्क है कि आपकी इन्वेस्टमेंट खराब ना हो जाए, ठीक है, रेगुलेटरी चेंज की वजह से। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आप अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है। इकोनॉमिक फैक्टर पेस्टल में सेकंड क्या है? इकोनॉमिक। अब यहां पे करेंसी के बारे में बोला था, अगर आप ध्यान दें करेंसी जो है इनकी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहां लिखा है, लेकिन बोला था बहुत फ्लैक्चुएट करती है, ठीक है। तो आपने कहा कि सर ये अगर करेंसी फ्लक्चुएट कर रही है तो अगेन एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क पोज हो रहा है यहाँ पे। एक्सचेंज रेट अगर बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है तो ये बहुत बड़ा रिस्क पोज हो रहा है। कहाँ गया यार ये रहा, इट वैल्यूएट्स, नहीं पता नहीं कहाँ था, पढ़ लीजिएगा आप। फिर आपने कहा कि यार इन्फ्लेशन भी ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन चल रहा है। मतलब अगर आप यहाँ सोचिए, यहाँ 100 रुपी लगा, यहाँ पे 100 रुपी की कोई कॉस्ट थी, वो बढ़ के हो रही है 105, मान लो वहाँ पे भी रुपीज में, तो वही कॉस्ट वहाँ पे बढ़ के हो रही है 110। अब आप ज़्यादा भी चार्ज नहीं कर सकते कस्टमर से, बहुत ज़्यादा ये थोड़ी बोलो कि महंगी आ रही है चीज, तो आप फंस गए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है वहाँ पे, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब आपने का थर्ड होता है सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, वहां की लैंग्वेज, वहां का कल्चर। एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एंड आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, पहले सॉरी बोल रहा हूं। इंडिया में जब आप ईस्ट इंडिया साइड जाएं या साउथ इंडिया में जाएं, वहां बीफ काओ वो सब खा सकते हैं, एंड आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, वहां पर यह कोई गलत नहीं माना जाता। बट इफ यू कम टूवर्ड्स नॉर्थन साइड, यहां पे काव बीफ खाना हम लोग अच्छा नहीं समझते। तो हर जगह का कल्चर ना अलग है, हर जगह का कल्चर अलग है। अगर आप ईस्टर्न इंडिया में जाते हैं, वहां मंदिरों में भी कई जगह पे, नॉट ऑलवेज, आपको मछली का प्रसाद चढ़ा दिख जाएगा, आपको बहुत जगह दिखेगा, इवन हिंदू चढ़ा रहे होंगे, चाहे वो नवरात्र क्यों ना। ये मेरे को लगता है, मैं हो सकता है गलत हूं, अगर मैं गलत हूं आई एम सॉरी, इस पे इश्यू मत क्रिएट करना कि सर आपने ऐसे कैसे कमेंट कर दिया, जो मेरे को सुनने में आया मैंने वो बोला है, आई मे बी रॉन्ग। मेरे जो रिलेटिव्स हैं वेस्ट बंगाल में वो बोलते हैं ये बात। ऑन द कॉन्ट्ररी नॉर्थ इंडिया में हम लोग जब नवरात्र आते हैं तो हम एग तक नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। तो आप ये कहेंगे कि यार हर जगह का सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट अलग है। चेन्नई साइड दे डोंट प्रेफर हिंदी, तो वहां की लैंग्वेज अपनी है, मैड्रासी। तो आप कहेंगे कि सर बड़े सिंपल सी बात है, हमें उस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज के अंदर अपनी ऐप लेके आनी है, उस कल्चर को समझना है और उसके हिसाब से वर्क करना है। ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज होती है, ये हल्के में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो बिजनेस एक दिन में ठप हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कंसीडरेशंस, इंडिया में आज भी कई जगह पे 5G नहीं चलता, 5G क्या 3G नहीं चलता सही से, मैं बताऊं यार उत्तराखंड में जाओ कई पहाड़ियों पर चलता ही नहीं है, ही नहीं सिग्नल, कर लो क्या करोगे वहां, चलता ही नहीं, कर लो क्या करोगे, अब बोलो क्या करना।
अब वहां पे 2G, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं उत्तराखंड में मोयला टॉप गया था, बहुत सुंदर जगह है, मगर उस एरिया में कई जगह पे 2G भी नहीं चल रहा था, नॉट इवन 2G। और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा गवर्नमेंट पर, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब आपको ये समझना पड़ेगा, अफ्रीका इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज स्टिल, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर जो कंट्रीज हैं डेवलप नहीं है, वहां पे आपके अंडर डेवलप्ड बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो क्या वहां पे इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, कितना मोबाइल्स यूज कर रहे हैं लोग, कितना वेबसाइट है, कितना एजुकेशन लेवल है, तो टेक्निकोलॉजिकल कंसिडरेशन आपको पूरा कंसिडर करना है। ये नहीं सिर्फ ये सोच लिया कि हाँ अफ्रीका नीड खरीदना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो खरीद दो, नहीं, सारी चीज समझिए। एथिकल, बीच में कोई रह तो नहीं गया, अच्छा लीगल, अब आपने ही देखा था ये फंस गया था लीगल में बदमाशी कर रहा था ना, फंस गया था लीगल में कि यार हम तो रेस्टोरेंट से कंपलसरी कह देंगे वही रेट दिखाओ, फंस गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां के लॉज अलग हो सकते हैं, चाहे वो लेबर लॉज हो, आपको तो पता ही नहीं, यू आर एलियन टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो आपको समझने पड़ेंगे वहां की स्ट्रेटेजीज को, वहां पे लोग किस तरीके से, वहां के लॉ क्या हैं, उन सारे लॉज में से कोई लॉ ना ब्रेक हो, कल को वहां की ईडी आपके पीछे ना लगी पड़े हो ठीक है, वहां का इनकम टैक्स वाला आपके पीछे ना लगे पड़े, तो वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट, एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन CSR वगैरह, चाइल्ड लेबर वगैरह के अगेंस्ट वाली चीजें हैं। जैसे आप भी जानते हैं हम लोग ऐसे किसी काम में नहीं इन्वॉल्व होना चाहेंगे जहां एथिक्स ना मीट कर रहे हो, नहीं तो रेपुटेशन बहुत डैमेज होती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, लीवाइस ने बांग्लादेश से हमारे नॉर्थ बेंगलोर में, स्पेशली नॉर्थ कर्नाटका में काम शिफ्ट किया था, क्योंकि लीवाइस ने देखा वहां पे चाइल्ड लेबर यूज हो रही थी, ऑल्दो यहाँ पे भी हो रही है, छुपके हो रही है। तो यहाँ पे शिफ्ट किया, उनका रेपुटेशन में बड़ा स्टेक आ गया था कि वहां चाइल्ड लेबर यूज हो रही है। तो हमें ध्यान रखना है, एथिकल कंसिडरेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये सब आपको लिख के आनी है, ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा ठीक है, ये सब आपको लिख के आनी है। तो आप यही कहेंगे सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू से काम नहीं चलेगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आ गए आपकी लास्ट केस स्टडी में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ जी, लास्ट केस स्टडी को कराऊं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, लास्ट केस स्टडी में शुरू करने से पहले ही दिखाना चाहता हूं ताकि टाइम ना लगे यार। आपकी केस स्टडी आ जा सॉल्यूशन पे आए, ये जो 5.8 है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए, और आप सॉल्यूशन 2 देखिए, पेज 9.54 ऑफ योर SCPM स्टडी मटेरियल, आपको एकदम सेम दिखेगा, बहुत मिनिमम फिगर्स का डिफरेंस है। आप ध्यान से देखिए, आपको वही दिखेगा सब, यहाँ बोनस आ रहा है, यहाँ बोनस आ रहा है, लाइंस भी सेम होंगी, बोनस टू बी पेड फॉर ईच होल परसेंटेज पॉइंट, ठीक है, सेम। आप किसी भी पैराग्राफ को देख लीजिए, जैसे लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ब्रीफली द यूज ऑफ ROI रिजल्ट्स, ब्रीफली द यूज ऑफ ROI रिजल्ट, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपने ध्यान से स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है, नहीं तो आप वीडियो देख लीजिएगा मेरा उस पर, और इसको आप रेफर करके अच्छे से इसको वहीं से कर लीजिएगा, मैं यहां नहीं करा रहा क्योंकि सेम क्वेश्चन है ठीक है। अब बचता है क्या हमारे पास, केस स्टडी 5 में क्वेश्चन नंबर 5.5 नंबर पेज, हाँ 5.5 पेज नंबर है 30, देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है, 2 मिनट में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई माथा नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, यही है ना। हाँ, कहता है गिवन द डाइवर्स फंक्शनैलिटी ऑफ EDI, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े लिखे हो तो EDI का मतलब पता होगा, सिस्टम्स इन ऑटोमेटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग ट्रांजेक्शनल डेटा अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स,
विच स्पेसिफिक एरिया विद इन पी लिमिटेड वैल्यू चेन, फिर से वैल्यू चेन आ गई, इज एक्सपेक्टेड टू सी मोस्ट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू ईडीआई सिस्टम। इस नए ईडीआई सिस्टम के चक्कर में किस एरिया में, नाइन एक्टिविटीज है, फाइव प्राइमरी फोर सेकेंडरी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई के बारे में अगर ना पता तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, पेज 26 में यहां ये पैराग्राफ मार्क कर लीजिए सीधे सीधे। अगर आप देखिए एक ही जगह ईडीआई आया है, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो क्वेश्चन में आपको मार्क्स दो मिनट मिल जाएंगे। और इसने साफ बोला परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग किसके अंदर आता है, प्रोक्योरमेंट, खत्म हो गया ठीक है। परचेजिंग किसमें आता है, प्रोक्योरमेंट में। तो ये आपका बन गया प्रोक्योरमेंट। अब बचा सिर्फ लास्ट केस, लास्ट क्वेश्चन, पेज 5 पॉइंट, पेज लास्ट 31 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5.9। अब ये केस क्या है, ये केस है बेसिकली ए लिमिटेड का और पी लिमिटेड का और क्यू लिमिटेड का। और इसने कहा डिस्कस हाउ द स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ अ स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग फ्रॉम पी लिमिटेड विल प्रोवाइड ए लिमिटेड विद अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बताइए कैसे ये जो हम स्ट्रेटेजिकली एक्वायर कर रहे हैं स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग पी लिमिटेड से, इसे हमें कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अब क्या है मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इस केस में क्या था, ए लिमिटेड एक हॉस्पिटल चलाता है और साथ में अपनी सब्सिडी बी के थ्रू टूरिज्म सेक्टर भी चलाता है। वो बिल्डिंग्स बनवाता है पी से, पी का सप्लायर है क्यू, सब बहुत बढ़िया काम में है, ये लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं। बाकी सब आप पढ़ लेना, पी बहुत अच्छे से दो तरीके के पोर्टफोलियो चलाता है, एक कॉर्पोरेट को लेके, एक इंडिविजुअल रेजिडेंशियल को लेके, और ये सारी कहानी लिखी हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो छुपा हुआ है वो उस कहानी में नहीं छुपा हुआ, वो इस न्यूज आर्टिकल एनेक्शन में छुपा हुआ है पूरा पूरा। आपको कुछ नहीं करना, ये न्यूज आर्टिकल ध्यान से पढ़ना है, ये आपको अगर इकोसिस्टम समझना है कि किसका क्या कहां पे कौन सा मैनेजर क्या काम कर रहा है, तो आपको ये इकोसिस्टम एक सेकंड में समझ आ जाएगा। ए लिमिटेड हॉस्पिटैलिटी है, बी लिमिटेड टूरिज्म है, ये पी लिमिटेड से काम कराता है, ये क्यू लिमिटेड से, पी लिमिटेड के अंदर एम मैनेजर M1 कॉमर्शियल रियल एस्टेट डील करता है, M2 रेजिडेंशियल और XYZ, ये आपको पूरा दे रखा है इकोसिस्टम, मैं इस पे नहीं आ रहा। मेरा कहना ये है आप इसको पॉज करके इसको पूरे को ध्यान से पढ़िए ठीक है, क्योंकि न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग जो है स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, उसने साफ ही कहा था, देखो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन क्वेश्चन पढ़ो ना, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग फ्रॉम पी लिमिटेड, इससे क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अब आप भी जानते हैं ये टॉप टीयर वाले काम कर रहे हैं। मैं आप एक मिनट में पॉज करिए वीडियो को, पढ़ लीजिए, उसके बाद रिज्यूम करिएगा। पढ़ लिया, अब देखिए, अब आपने कहा कि सर बड़ा सिंपल है, इन्हीं कहानियों को आपको बढ़िया करके लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसने इतना लंबा आंसर लिखा है, इस पे मत जाइए कि इनका आंसर इतना लंबा है, इंस्टीट्यूट तो जानबूझ के लंबा आंसर लिखता है ताकि आपसे कुछ छूट ना जाए। सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा देर का नहीं है, तो आप इनमें से जो बेस्ट टू बेस्ट पॉइंट लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, मतलब डिफरेंशिएशन एडवांटेज दिखाते हुए कि इस वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे आप सोचिए इसमें फूड लैब वगैरह बन रही है, रिसर्च फैसिलिटी बन रही है आपकी किस चीज के लिए, बेवरेजेस वगैरह के लिए, आप कहेंगे मार्केट में बाकी लोगों से हम डिफरेंट है, हम हाई क्वालिटी फर्निशिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए पहले से प्रूफिंग और इनोवेशन वगैरह करके चल रहे हैं, यहाँ पे हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी वेल इक्विप्ड लोकेशन है सिंगल, आप कहोगे इसकी वजह से हमारा क्या है, यहीं पे कॉन्फ्रेंस वगैरह हो जाएंगी, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और कॉस्ट सेविंग भी है। आप कहोगे कि यहाँ पे इससे हमारे अट्रैक्ट होंगे अच्छे क्वालिटी के क्लाइंट, बढ़िया हम इवेंट्स कर सकते हैं, फ्यूचर में हम स्केल कर सकते हैं, ग्रोथ भी आती है और पोजिशनिंग बहुत स्ट्रेटेजिक है, चालाकी से की है ताकि हमारा वर्क स्पेस कोलेबरेशन में चल सके, AB वगैरह का। इस तरीके से आप पूरी कहानी लिख के आ जाएंगे अपनी मर्जी से, कुछ नहीं सोचना कि यहाँ पे क्या है, बस आपको वो समझना है, पढ़ना है, डिफरेंशिएशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसने क्या बोला था वर्ड, आपको बोला था साफ
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि दो तरीके की होती है, पहला लो कॉस्ट एडवांटेज और दूसरा डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन के बारे में पूरी बात है आप लिख के आइए, समझाइए उसको, क्योंकि आपको साफ साफ जब आप केस पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार यहाँ डिफरेंशिएशन की बात चल रही है, इसमें कुछ भी और नहीं है, जस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरे नंबर आने। ध्यान रखिएगा जो बातें मैंने बोली हैं केस स्टडीज से रिलेटेड, उनको बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आपको एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर 2 भी जल्दी से जल्दी डालूंगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जो जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सीखिए, कैसे केस पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए, कैसे क्वेश्चंस को अटैक करना है उस पर ध्यान दीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। किसी भी कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझिए, इस गलतफहमी मत रहिए कि लास्ट डे में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आपके पास लास्ट डे पे देखिए लॉ आपने नहीं पढ़ रखी होगी और आपने SCPM नहीं पढ़ रखी होगी, तो उस समय क्या है, देखिए पहले 5 पेपर में तो आपने सारा रिवाइज कर ही लिया, जब 6th पेपर आया तो प्रॉब्लम क्या आई, आपने लॉ नहीं पढ़ रखी और SCPM नहीं पढ़ रखी, तो उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाइए ताकि आपको लास्ट डे पे एकदम शॉक ना लगे, अरे ये क्या आया, ये कैसे करें। जैसे कई लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था तो आप सोचिए ब्लॉकचेन नहीं समझ में आ रहा होगा, कई लोगों को बिजनेस मॉडल कैनवस नहीं आ रहा होगा, उन्होंने ऊटपटांग वीडियो देख ली होगी या जो आपके जो कॉन्सेप्ट आप भूल गए होंगे। तो मेरा कहना यह है आप अच्छे से समझिए, आपको पेपर में छुट्टी मिल रही है आप पढ़ के आइए, ऐसे ही नहीं छुट्टी दे रहे, दोबारा DT IDT पढ़ने के लिए थोड़ी छुट्टी दे रहे हैं, वो आपको छुट्टी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को जो आपने नहीं पढ़े उनको रेफर करके आप पेपर में आके बैठे ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, मेरी बात चल रही है, इंस्टीट्यूट में मुझे जो पता चला है वहां पे आगे जाके SCPM वगैरह के पेपर भी अब डिफिकल्ट होने वाले हैं। वो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि शुरू के बच्चे थे निकाल दो, क्योंकि पास में फंसे पड़े थे ना, कई फंसे पड़े थे, तो उन्होंने कहा इनको निकाल दो, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने शुरुआत के पेपर इजी डाले थे। वो वेरी गुड चांसेस आर देयर कि जनवरी से जो पेपर आए आपके या उससे पहले भी हो जाए, लेकिन जनवरी से तो कन्फर्म है SCPM की दुनिया शायद बदल जाएगी। चलिए विद दिस मे गॉड ब्लेस यू, मैं बड़ी जल्दी MTP 2 भी डालूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी डाल सकूं, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से स्कोर करिए, मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको कभी कोई कंसर्न हो पूछ सकते हैं। ठीक है, विद दिस मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।